मजामा सुबह है, मजामा मजामा। चलो एक और मजामा दिखाता हूँ आपको मैं, कौन बताओ सो तुम्हें। चलो भाई कर दो शेयर। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोप स्त्रियां सोते से उठकर अपने पति पुत्र भाइयों की तथा कुल की लज्जा को त्याग कर कामदेव की आग से पीड़ित होकर उसे बुझाने को श्री कृष्ण के पास चली जाती है। वे जहां जाकर कृष्ण को भुजाओं में भरकर आलिंगन करती, उनके होठों को चूमती। वे गोपियां कृष्ण के साथ कालंदी के कुल में तथा वृंदावन में गोव्रज में रात को। हमारे साथ ब्रजेश रुदानी, हिंदू सनातनी। हाँ भाई ब्रजेश रुदानी जी, स्वागत है आपका। हाँ कैसे हो भाई? जी बढ़िया। ब्रजेश रुदानी जी बताएं। वो अभी अभी आप जिसके साथ डिबेट कर रहे थे उसको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कहाँ से लेके आते हो? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, नहीं पता था, आप आ गए हो, इससे अच्छी बात क्या और क्या हो सकती है कि हमको आप आ गए हो हमारे साथ, आप हमको बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसको नहीं पता था। अब सर हम तो किसी को बुलाने जाते नहीं है, अब जो आ जाता है अपने धर्म का पक्ष लेके हम उससे बात करते हैं। तो चलिए सर आप बता दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप भी यहाँ पर वेट कर रहे थे। आप अगर ऐसा बोलते तो मैं उसके साथ ही आपको ऊपर पैनल पे ले लेता। आप अगर प्राइवेट चैट में आना चाहते कुछ पता आना चाहता नहीं तो आप प्राइवेट चैट में लिख सकते थे सर, कि आप अगर ये लिख देते कि इसको कुछ पता नहीं हमारे धर्म के बारे में तो मुझे आप ऊपर लीजिए तो मैं आपको ऊपर ऐड कर लेता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वही पैनल है, वही लोग देख रहे हैं, इवन अब और ज्यादा आपको लोग देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अभी पक्ष रख सकते हैं अपनी, किस बात से आपको ऐतराज है या किस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं हिंदुइज्म से लेकर। तो ठीक है सर बताएं आप। अच्छा वो आप बता रहे थे ना कि राम सनातनी है या नहीं है, तो राम सनातनी है ना, उसको वो भी नहीं मालूम था। बालिकों की उम्र वो भी नहीं मालूम था, छुपके की उम्र वो भी नहीं मालूम था उसको। आपको मालूम है या नहीं उसको छुपके की उम्र? नहीं नहीं सर, राम के बारे में आप जवाब दोगे तो सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस राम से, हमको राम तो नहीं मालूम है, ये बता भगवान देंगे। भगवान अमित सर, भगवान राम को लेकर आपने मेरे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे बहुत खपा हूँ, आपको पता है कितने एक साल हो गया तब से, और आज तक मुझे कोई ऐसा भाई बता देंगे जिसने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं सर इतने सारे क्वेश्चंस लेके बैठा हूँ, आप मेरे को जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले कि हम स्टार्ट करें कुछ, मतलब हम जैसे बुक लिखते हैं तो प्रीफेस पढ़ते हैं, ऐसे मतलब एक हमारा ये प्रीफेस चल रहा है समझ लीजिए, तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सर हमने ये देखा है अभी तक, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों का क्या होता है जो सनातनी या हिंदू खुद को कहते हैं, जैसे ही कोई सामने बात आती है तो वो पलट जाते हैं, वो मतलब अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो आप मुकरो नहीं, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है अभी लाइव, तो ये स्ट्रीम लाइव जा रही है अभी, सब सुन रहे हैं, तो आप बदल ना पाओ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, कोई व्यक्ति है जिसकी बीबी का कोई अपहरण कर ले, ठीक है, किडनैप कर ले जाए, तो वो अपनी बीबी के बारे में किस तरीके से, मतलब जो देखो दुख तो सभी को होगा, वो रो सकता है, उसको बहुत हर्ट होगा, वो दुखी होगा, वो डिस्कशन भी करेगा, लोगों से पूछेगा, FIR करवाएगा आज के जमाने में, तो ठीक है पुलिस को लगाएगा कि भाई हमारी बीबी को खोज के निकालो, सारी जो मुमकिन कोशिशें हैं वो करेगा अपनी बीबी के लिए। तो सर पहली कोशिश मैं ये पूछता हूँ, मतलब कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से रोए, मतलब अपनी मतलब एक जैसे मतलब उसकी बीबी का अपहरण नहीं हुआ, मतलब कोई सेक्स ऑब्जेक्ट था जो उसका चला गया, जो उसे आनंद देता था और बस इसलिए वो रोए, तो क्या ये ठीक है या आपके नजरिए से या गलत है? उसकी बीबी का अपहरण ही नहीं हुआ था, फिर किसका अपहरण? सीता कहाँ गई थी वहां पे लंका में? उसका प्रतिबिंब गया था, सीता गई नहीं थी उसको। सो आप पूरी रामायण पढ़ो, उसमें लिखा है। आज तो मजा आने वाला है मिस्टर, मुझे लगता है जबरदस्त चलो ये बता दो आप, अगर कोई प्रतिबिंब के लिए भी ऐसे रोता है
कि मेरे मतलब वो सेक्चुअली ऑब्जेक्टाइज करके मतलब एक सेक्चुअल ऑब्जेक्ट समझ के अगर ऐसे तरीके से रोते हैं तो भी क्या सही है, बताओ सर मेरे को, ये बताओ इसके लिए रोते थे? राम को तो सब मालूम था क्या हो रहा था, उसका प्रतिबिंब गया था, वो आप गूगल करके देखो अगर आपको। चलिए सर इस पर चलिए, नहीं 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 सर मैं देखिए चलो मुझे पता नहीं, मैं अनपढ़ थोड़ा, मैं सर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो बाली की सर, बात सर, कर रहे थे, प्लीज मेरी बात सुन। नहीं नहीं बाली पे सर, बाली पे बात ही नहीं की, नहीं सर अभी बाली पे बात नहीं हुई सर, मैं थोड़ा, अरे सर मैं ये सर एक एक देखिए सर, यहाँ पर पूरी रात पड़ी है ना हमारी, बहुत बात कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए आप टेंशन मत करिए, आपकी पूरी बात होगी। मैं थोड़ा सर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आती इसके वजह से, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ चलिए, क्योंकि क्या बताएं, घर वालों ने पढ़ाया ही नहीं, मेरा तो बड़ा मन था, कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मुझे चीजें समझ ही नहीं आती, मैं कुछ का कुछ अर्थ लगा के बैठता हूँ। तो चलिए स्क्रीन सर देख रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ। आपको दिख रही है सर स्क्रीन? आप मुझे बुक दिखाइएगा सर, ये वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर के। अच्छा। सर ये बुक का ही है, वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर से ना, ठीक है। अच्छा। ये देखो वाल्मीकि रामायण का यहाँ पर पेज देख सकते हैं आप, 662 पेज है ना, 662 है ये, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर ये लिखा भी है अरण्य कांडे त्रिसष्टमा सर्गा, ये 705 पेज ऐसे दिख रहा है ना, ये देखो ये त्रिसष्टम सर्गा, ये सारा कुछ आपको दिख भी रहा है ना सर, ये देखो। हाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो सर ये अभी आप, मैं कुछ आप, हाँ तो ये अरण्य कांड है, इसमें मैं आपको नहीं ले लूंगा, मैं सीधा आप जहां पर राम जी थे उधर, तो एक मिनट सर मैं, सर्ग 58 है ना, ये 206 पेज पे है, भी नहीं आप कुछ नहीं चलता। हाँ सर ये देखो क्या हुआ, सर्ग 48 है, ठीक। ये वाल्मीकि रामायण अगर आपके पास युद्ध कांड का सर्ग 48, ठीक, चैप्टर 48 है, ठीक है। अगर वाल्मीकि रामायण बन है उसका 368 पेज आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी आवाज कट हो रही है, राम पे ले चलता हूँ यार, आप वरना कहो आजाद, आपकी वॉइस कट रही बीच में, आपका इंटरनेट स्लो लग रहा है वहां से। अच्छा नहीं, कट रही है आवाज आपकी, कट रही है हमें सर, आप पढ़ दीजिए चाहे, ठीक है आवाज। हाँ मैं पढ़ देता हूँ भाई, यहाँ तक तो इन्होंने बता दिया ना आपको, तो अरण्य कांड में राम कह रहे हैं भाई कि, अच्छा अभी आ रही, हाँ अब आ गई आवाज। अच्छा चलिए इनसे पूछ ही लेता हूँ, तो चलिए सर देखिए ये जो मैं आपको लेके आया हूँ सीधा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको ये त्रिसष्टम सर्ग है, राम का बिलाप है ये, और ये अरण्य कांड का 705 पेज पे, 705 पेज पे आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण का। यहाँ पर जो सीता जी का हरण होता है और राम रो रहे हैं यहाँ पर ना वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, श्री राम बिलाप, श्री राम का बिलाप है और अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे, वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। अब देखिए ये श्री राम दुख में डूबे हुए अपनी सीता के लिए कैसे रोते हैं वो यहाँ से देखते हैं सर। यहाँ पर ये श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी, अबस ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया, उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के भी दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए हो। हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तो सर ये देखिए कि जो राम है ना वो
सीता जी के लिए उनको ये दुख नहीं है कि सीता जी किस हाल में होंगी, सीता जी क्या सोच रही होंगी, उन पे क्या पीड़ा, वो किस दुख में गुजर रही होंगी, किस दुख से किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। वो सिर्फ ये रो रहे हैं कि उनके दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे, हाय इतने भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तो राम ना क्या ये मतलब क्या इमेजिनेशन में लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अगर किसी ने मेरी बीवी का हरण किया है तो वो ये सब कर रहा होगा, और वो मतलब अपने मतलब एक सेक्सुअली उनको समझ रहे, मतलब एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझ के उनके स्तन का वर्णन कर रहे हैं और कैसे थे गोल गोल लाल चंदन से चर्चित होने योग्य, मतलब इस तरीके की चीजें। ये देखो सर, ये आपकी वाल्मीकि रामायण 706 पेज में आया है और ये 63 सर्ग है, अरण्य कांड का है ये, आप देख लीजिए अरण्य कांड 63 सर्ग, तो ये आप 63 सर्ग देख सकते हैं। अच्छा, आप एक काम करो, गूगल में जाके वही श्लोक को टाइप करो उसका। अरे उसका, भाई ये गूगल स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अरे भाई क्या रामायण आपकी बुक ही मैं मान लो क्या, मेरे पास बुक है। अरे भाई ये गूगल क्या चीज है भाई, मैं वाल्मीकि रामायण खोल के यहाँ आपको दिखा रहा हूँ अभी। गूगल आपको क्यों यहाँ पर लेके आना है भाई, वाल्मीकि रामायण 1000 ट्रांसलेशन है अलग अलग, कोई भी वाल्मीकि रामायण में ट्रांसलेशन में स्तन शब्द का जिक्र नहीं, आप कहाँ से उठा के ले आए आपको ही पता होगा। कौन सी रामायण की बात कर रहे हैं, कौन सी रामायण से दिखा रहे, कौन सा ट्रांसलेशन है? तो देखो, अरे गूगल पे नहीं चलता भाई, गूगल पे नहीं चलता भाई, गूगल पे क्या यार, गूगल पे तो कोई भी डाल देगा ना, गूगल बात अलग है, यहाँ पर हम पूरे आपको किताब से दिखा रहे हैं, आप गूगल चाहिए आपको, गूगल पे अच्छा। कोई भी आर्टिकल लिख देगा, कोई भी वेबसाइट बना देगा, कोई भी कुछ भी जानकारी मैनिपुलेट कर सकता है, गूगल पे तो आसान है ना कोई भी चीज को बदल देना। अच्छा, तो किताब में भी कोई भी कुछ भी ट्रांसलेशन कर देगा वो भी भाई, किताब में आपका प्रकाशन छापता है कोई ऐसे नहीं बदल देगा किताब को। अरे भाई चेक कर सकते हो आपको ऐसी हजार बुक भाई, अगर ये मेरे भाई ब्रजेश रुदानी, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए और अगर गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण में ये ना मिले तो मैं ये चैनल ना बंद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप इसको यहाँ पर अगली स्ट्रीम में आके ये साबित कर दो कि आपने गलत दिखाया था गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण में, ये था नहीं जो मैंने दिखाया, मैं चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा और आपसे माफी भी मांगूंगा और हमेशा के लिए चैनल बंद करके चला जाऊंगा यहाँ पर कोई भी पैनलिस्ट। अरे गीता प्रेस होता है, गीता प्रेस फिर कौन होता है भाई, फिर कौन होता है, फिर आप किसकी किसको कौन से प्रकाशन का दिखाऊं आपको, कौन से राइटर का दिखाऊं बताओ। अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपकी गई ना भाई, आज मैं बहुत बता रहा हूं आपकी बात कर रहा हूं, राम जो तुलसीदास की रामायण लिखी हुई थी ना उसमें ताड़ना का अर्थ देखना होता था, उसमें से 1000 बुक देखोगे ना तो उसमें ताड़ना का कहां लिखा है, सुनो पहले भाई वो उस पे नहीं जाएंगे न्यूटन जी, अभी उस पे जाएंगे नहीं, वहां पर मत जाओ अभी, तुलसीदास की रामायण के फिर इतनी वो भी खोल दूंगा अभी, हां तुलसी राम की तुलसीदास रामायण की इतनी पोल खोलेंगे फिर आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से हमने तुलसीदास का नाम लिया था ना भाई, पहले यहां पर रहो। अच्छा मैं वहां पे आता हूं, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, उस पे मुझे डिबेट भी नहीं करनी तुलसीदास पे, मैं ये देख रहा हूँ ताड़ना कर देखना होता है, तुलसीदास की 1000 बुक में वही लिखा था और आप लोग किसी एक दो बुक में से जहाँ ताड़ना का मतलब मारना होता है वही दिखा रहे थे, आप वो 1000 बुक नहीं दिखा रहे थे पर भी आप एक दो बुक कहीं से ढूंढ रहे हैं। ठीक है यार, उससे एक मिनट देते हैं, शूद्र के जगह ब्राह्मण लिख देते हैं ना, आजा जी इनको मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं कि ये झूठ कैसे बताते हैं, मैं इनको दिखा देता हूँ, ये देखिए नहीं ये डिक्शनरी है, नहीं मैं शॉर्ट में, ये ताड़ना के शब्द पे आए हैं ना तो क्या है, ये बहुत लोगों पे ये रहता है, तो तुलसी शब्द सागर है, हाँ ये देखिए ये संकलन करता है स्वर्गीय पंडित, नहीं लिखा का लिखा है किसी और ने लिखा है तुलसी यार, ये देख लीजिए ना, ये नाम है, ये नाम मैं दिखा दे रहा हूँ, आप नेट में इसको सर्च कर लीजिए, ये किताब है, ये तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी है ये, कि तुलसी के जो ग्रंथ है उसके जो वर्ड्स हैं उसके डिक्शनरी है मेरे भाई। अच्छा अब आपको मतलब डिक्शनरी दिक्कत हो रही है, अब आप पढ़ लिया ये डिक्शनरी, मैंने पढ़ लिया डिक्शनरी, वो उसमें पढ़ी है ना, तो इसमें तो लिखा हुआ है इसमें, तो ताड़ना का मतलब क्या होता है। अच्छा मैं दिखा बता दो ताड़ना का मतलब, अभी तो देखो मैं इसमें से दिखा देता हूँ ना आपको, मैं खुद दिखा देता हूँ, मैं खुद दिखा देता हूँ, चलो सुनो, वो लड़का उस लड़की को 2 घंटे से ताड़ रहा था, बताओ उसमें ताड़ रहा का मतलब क्या हुआ, बताओ। चलो मैं यहाँ पर रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ ना, तो बोला ना फिर तो ताड़ रहा था, रामचरितमानस में क्या ये लाइन है कि ये एक लड़का 2 लड़के 2 घंटे से ताड़ रहा था, आपके पास लाइन है रामचरितमानस में? नहीं जवाब नहीं मिला ना,
भाई देखिए रामचरितमानस क्या बात कर रहे हैं, और मैं रामचरितमानस की डिक्शनरी दिखा रहा हूँ, और आप बात कर रहे हैं एक लड़का एक लड़की को ताड़ रहा था। तो उसका मतलब क्या हुआ बता दो पहले, वो बता दो उसका मतलब क्या हुआ। नहीं तो मैं डिक्शनरी दिखाऊंगा ना, तुलसी शब्द सागर जो तुलसी कृत जो रामचरितमानस है, मैं उसकी डिक्शनरी पे बात करूंगा ना। अच्छा वो डिक्शनरी ताड़न किसने लिखी है क्या? हाँ मैं डिक्शनरी पे बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको चलिए मैं डिक्शनरी खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा वो डिक्शनरी क्या तुलसीदास ने लिखी है क्या, किसी आप जैसे लोग ने लिखी है डिक्शनरी? वो कुछ लिखना मैं तो राइटर का नाम भी दिखा दिया, मैं राइटर का नाम भी दिखा दिया आपको अभी। देखो राइटर का नाम भी दिखा देता हूँ, ये देखिए राइटर का नाम आप देख लीजिए कौन है, स्वर्गीय पंडित हरगोविंद तिवारी और श्री भोलानाथ तिवारी, देखिए राइटर का नाम है ये। तुलसीदास तो नहीं है ना राइटर? मेरे पास एक किताब रखी है तुलसी शब्द सागर है, अब जो मतलब अगर आपको समस्या है तो जहाँ से किताब छपी है आप वहां जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा तो अच्छा मेरी रामायण में ऐसा क्यों लिखा ताड़ना का मतलब देखना, एक हजार बुक ढूंढ लो, 1000 बुक में ताड़ना का मतलब देखना, इनसे दिखवा लो ना, इनसे शेयर करवा लो स्क्रीन। चलो चलो स्क्रीन शेयर करो, शेयर करें। अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा, आप धंधा बिजनेस बंद कर दोगे, चैनल बंद कर दोगे क्या अभी? मान लो पुराने भाई आप लंबी तो दिखाएंगे, ये बंद कर दो। ओ भाई ब्रजेश रुदानी फिर यहाँ पर हिंदुइज्म की, अब यहाँ पर एक से एक अब दिखाओ ना किस प्रकाशन की, फिर उसी प्रकाशन की हम और भी चीजें दिखाएंगे ना। नहीं नहीं वाल्मीकि रामायण से दिखाने दो ना आजाद भाई, ये कह रहा है दिखा देंगे तो वाल्मीकि रामायण दिखा या तुलसी रामायण दिखा, ला भैया दिखा, चलो दिखा गीता वीरेंद्र गोरखपुर की दिखा। मेरे ख्याल से हम काफी भटक नहीं गए शायद, वो भटका रहे हैं जानबूझ के हमें सर, इधर उधर उचक रहे हैं, वो फंस गए। देखो ये भाई ना गुजरात से है, ब्रिजेश भाई ना गुजरात से है, और गुजरात के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, प्यारे भाई होते हैं हमारे, और दया श्री कृष्णा वाले होते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से यार जो मतलब जो पते की बात करना चाहिए आजाद, अब बताओ अब बोलोगे तो मैं करता हूँ। अब ये अच्छा ये बताओ वाल्मीकि जो गीता प्रेस गोरख उस पे ही चलते हैं, अच्छा गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन को आप मानते ही नहीं है ना, ये कह रहे हैं गीता प्रेस? अच्छा मैं किसको मानता हूँ मैं बताता हूँ, अभी देखो 1000 बुक है उसमें से 900 बुक में जो लिखा है वो मानता हूँ, अभी उसमें से छीन के 2-3 बुक में क्या अलग अलग से लिखा है वो मैं नहीं मानता। तो 900 बुक्स आप लेके आइए ना, आप 900 एविडेंस लाइए ना, ये गप्पेबाजी बहुत हो गई है, दिखाएं एविडेंस, लाओ ब्रजेश रेवाणी खोलो अपना एविडेंस लाओ। अरे भाई यूट्यूब में जाओ वाल्मीकि रामायण पढ़ो। नहीं यूट्यूब नहीं, आप अभी बोला आपने एविडेंस की बात हो रही थी तो आप एविडेंस दिखा दीजिए, आपके पास हूँ तो, आपने अभी कहा मेरे पास 1000 बुक है फलाना है ढिकाना है तो आप एविडेंस दिखाओ ना। अरे क्या बेवकूफ बना रहा, आपको भी मालूम है सर तुलसीदास रामायण में ताड़ने का मतलब देखना लिखा, एक दो पूरी दुनिया जानती है बुंदेलखंड में पीड़ा होता है, ठीक है? बुंदेलखंड गए हो क्यों ब्रजेश रुदानी, बुंदेलखंड गए हो? अवधी भाषा सुनिए कभी? नहीं गया बुंदेलखंड में। अवध नहीं गया कभी? नहीं आप मुझे पता नहीं है अवध में। नहीं नहीं अवध में ताड़ना मतलब पीटना होता है, पूरे अवध के लोग जानते हैं। तो वो लड़का एक लड़की को 2 घंटे से ताड़ रहा था, उसका मतलब क्या होता है? ताड़ना के वो गंदे मतलब ही होते हैं, ताड़ना मतलब गंदा, बहुत सारे मतलब है ताड़ना के, ये तो आज का मतलब है ताड़ना का, लड़की लड़की को ताड़ना, ठीक है? पुराना मतलब पीटना होता है। आप पढ़ लो पहले भाई, आरक्षण से पढ़े हो तो आपको ज्ञान इतना ही। अरे पहले एविडेंस बताओ, गप्पेबाजी मत करो, अभी एविडेंस नहीं दिया आपने, वो वाला आप कह रहे थे वो गलत लिखा है उसका एविडेंस दो, चलो वाल्मीकि रामायण का एविडेंस दो। क्या दूं मैं बोलो, क्या चाहिए एविडेंस? वाल्मीकि रामायण में वो जो बात लिखी है स्तन वाली वो गलत है, आप कह रहे थे आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस बता दो हमें। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ गूगल में से दूंगा, आप बोलोगे मैं गूगल नहीं मानता। नहीं गूगल थोड़ी, गूगल वाल्मीकि रामायण थोड़ी है भाई, धर्म ग्रंथ गूगल है क्या? गूगल में तो कोई भी कुछ भी टाइप कर देता है। अरे तो आप किताब खोल के बता दो। अरे ब्रजेश भाई आप किताब खोल के बता दो, आप इतनी देर से एविडेंस नहीं दे रहे और अभी ऐंठ रहे थे चौड़े हो रहे थे एविडेंस दे दूंगा एविडेंस दे दूंगा, जैसे ही एविडेंस पकड़ा पूछ पकड़ी वैसे ही आपके पीछे भगने लगे। यार ये लो गूगल, इसको शेयर कर दो भाई, चलो ये वाली बात को खत्म करते हैं फिर। कृष्ण पे आओ, अब कृष्ण पे आओ, कर दो भाई लो कर दो, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो ताड़ने का मतलब लिखा है भाई गूगल में, मारना पीटना डांटना डपटना, ठीक है? लोग गूगल गूगल कर रहे थे ना लोग, गूगल इनकी चूगल निकाल दिया। अवधि में लिखो हैं? अच्छा अवधि की डिक्शनरी में खोल के दिखा रहा था ना, वाह वाह वाह, रोना क्यों निकल गया? आपको आती है अवधि? अच्छा अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ, अभी मैं गूगल में दिखाता हूँ, चलो गूगल में दिखाता हूँ, आप अपना धंधा बंद कर देना बाद में, ओके? अरे पहले तो किताब तो दिखाओ यार ब्रजेश बाबू, इतनी देर तक चौड़े हो रहे हो, दिखा कुछ भी नहीं रहे, खोल रहे नहीं हो, चौड़े ही चौड़े हो रहे हो, बस कुछ तो खोलो। ताड़ना कर चाहिए ना, ताड़ना कर दिखाना, दिखाओ ना मैं गूगल में, चलो बाद में अपना धंधा बंद कर दे।
अरे ढोल को कैसे ताड़ोगे ये तो बताओ, लड़की को तो ताड़ लोगे, ढोल को कैसे ताड़ोगे ये बताओ थोड़ा। अच्छा वो ब्रिजेश रुड़ानी, ढोल को कैसे ताड़ोगे, पुत्र को कैसे ताड़ोगे ये बता दो थोड़ा। चले आप दिखा अच्छा, दीजिए क्या दिखा रहे हैं आप, हम भी देखे जरा क्या दिखा रहे हैं आप, चलो दिखाइए। अरे ठहरो, ढोल को कैसे ताड़ोगे, अवधि डिक्शनरी से होना चाहिए। अभी अपने अवधि की बात करी है, रुद्रेश रुड़ानी बात हुई थी वो, अवधि से आप दिखाइए ठीक है, ताड़ना का मतलब जो स्तन लिखा है उस पर बात हुई थी आजाद ने उसकी बात की, स्तन दिखाओ वाल्मीकि रामायण में जाओ जरा दिखाओ, वो गलत लिखा है, तुमने यही कहा था गलत लिखा है, तो सीता के स्तन की बात गलत लिखी है तुमने ये बोला हुआ था ठीक है, अब तुम एविडेंस दो इस बात का कि गलत लिखी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर में वाल्मीकि रामायण में। गीता प्रेस में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी वाल्मीकि रामायण आप क्यों ये पकड़ के, अरे तो बहुत सारी से हमें क्या लेना देना, हम तो गीता प्रेस मानते हैं उत्तर भारत में, तुम हो कौन गुजराती लोग, हाँ तो तुम मानते रहो कुछ भी, तुम गुजरात में कुछ भी मानते रहो, अपनी खुद की लिख लो, हमें क्या लेना देना, वहां तो अवध से आए, अवध की बात होगी भाई, अवध के राजा की बात अवध से ही होगी समझे, अब पहले ढोल के ढोल को अवध बिहारी की बात अवध से ही होगी, ये ढोल डाल बाद में होगा, पहले वो दिखाओ तुम जो स्तन की बात, डर गए क्या, नहीं 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 सुनना क्या, ढोल से डर गए, अरे तुम एविडेंस दिखाओ ना, तुम गप्पे इतनी देर से मार रहे हो ब्रजेश भाई, गपड़ गपड़ कर रहे हो लेकिन एविडेंस एक नहीं दिखाया एक भी, वो चलो सुनो, खोलो खोलो अपनी खोलो, चलो अरे ब्रजेश भाई खोलो थोड़ा दिखाओ, अरे सर एक मिनट, चलो ये सर मुझे ये भी मिल गया, एक मिनट मैं यहाँ से ये भी कर देता हूँ, गूगल की बात कर रहे थे भाई, चलो गूगल में भी मैंने वाल्मीकि रामायण निकाल लिया, ये देखो भाई आपको दिख रहा है, ये वाल्मीकि रामायण गूगल पे ही है ना, ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये देखो ये मैंने गूगल से ही निकाला है, वाल्मीकि रामायण है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एक मिनट, ये देखो भाई ये वाल्मीकि रामायण है, देखो ये अरण्य कांड है ना, ये देखो चैप्टर यानी सर्ग 63 वर्स, ये देखो इसका जो श्लोक यहाँ से आ रहा है ना, तो अब देखो यहाँ पर जो 63वें सर्ग है ना अरण्य कांड का वाल्मीकि रामायण का, ये गूगल की बात कर रहे थे तो ये 8वें श्लोक में मैं ले चलता हूँ, 8वें श्लोक किधर गया भैया, 8वां श्लोक आ जा, हाँ भाई देखो ये आ गया 8वां श्लोक, ये देखो दिख रहा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये देखो ये 8वां श्लोक है, यहाँ पर ये संस्कृत का श्लोक है, ये दिख रहा होगा आपको ठीक है, यहाँ पर ये देखो इसकी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखी है, यहाँ पर लिखा है दोज टू राउंडेस्ट बुजम्स ऑफ माई लेडी लव विच ऑलवेज डिजर्व्ड द एप्लीकेशन ऑफ पीजेंटली लुकिंग रेड सैंडलवुड पेस्ट माइट डेफिनेटली बी अनसाइनी एज दे माइट बी विडव्ड विद मडी ब्लड व्हेन दे आर extricated from her body for devouring, ये देखो भाई ये सेम ही है ना, अब ये दिखा दिए ना आपको, अब बोलो ये इस पे भी बोलो ये गलत है, अरे भाई एक मिनट अच्छा बुजम का मतलब क्या होता है, गूगल पे अरे भाई गूगल पे ये देखो गूगल पे दिख रहा है ना, गूगल पे आपने बोला था गूगल पे, अच्छा, और एक मिनट मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ, एक मिनट रुको मैं इसका लिंक भी यहाँ पर डाल देता हूँ ना, ये एक मिनट रुको भाई ना, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया, और ये बंदा है लाइव चैट में भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो सेम श्लोक है ये देखो मैंने आपको दिखाया था, ये जो बंदा है ना ये क्या यहाँ पर तिकलमबाजी खेलना था, ये गूगल को वैसे कोई लोग प्रमाण बताते नहीं लेकिन गूगल देखिए यहाँ पर तो लोहितस्य प्रिय दर्शनस ये यहाँ से ये श्लोक शुरू होता है ना, आपको मैं ये सेम श्लोक दिखा रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में भी ना, एक मिनट रुकिए यहाँ पर यही सेम श्लोक दिखा रहा हूँ, ये देखो दोस्तों ये सेम श्लोक है, तो लोहे तस्य प्रिय दर्शनस ये यहीं पर ये 8वां श्लोक है ना, और ये देख ले भाई ये देख अब मेन बुक पे आते हैं ना, अब तुम गूगल के ट्रांसलेशन की बात तो छोड़ दे, ये देख सेम श्लोक उधर दिखा दिया मैंने तेरे को गूगल पे भी, अब ये बता भाई इसमें कहां तुझे गलती दिख रही है गीता प्रेस में, अरे भाई आप मेरे को बात तो सुनते हैं, अच्छा वो आपने मुझे गूगल में दिखाया, अरे भाई ये बताओ, अरे भाई मेरी बात सुनो, गूगल पे दिखाया मैं लिंक डाल दिया हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे देता हूँ ना, आप देख लीजिए, दे दो चलो दे दो दे दो, वही श्लोक मुझे श्लोक संस्कृत श्लोक बता दिखा दो चलो, अरे ये संस्कृत तो है नूनू प्रियम ना भी पता ये लिखा पढ़ नहीं पा रहे क्या यार, ऐसी बातें कर रहे हो यार दुरेश भाई, सामने लिखा है नूनू प्रियम ना भी पता,
अरे भाई पढ़ के बताओ जरा से, फिर से पढ़ो जरा नूनू प्रियम पढ़ो। हां ना भी पाता। हां पढ़ो 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 रुद्रेश भाई पढ़ो जल्दी से। हां चलो पढ़ो भाई पढ़ो ये। अरे भाई मुझे ऊपर में लिखा है वृत्तौ स्तनौ शोणित पंक दिग्धौ, देख लो वृत्तौ स्तनौ लिखा है ऊपर। नूनम प्रियाया ममम नाभि पाता, ये देखो भाई। हाँ ब्रजेश भाई स्तनो नूनम क्या होता है बताओ जरा। हाँ स्तनो सोड़ित ये सारी चीजें आप नूनम प्रियाया मम नाभि पाता तो लो। अच्छा चलो प्रिय दर्शन ये वो सेम श्लोक में दिखा दिया ना भाई। ये गूगल को ऑथेंटिकेट कब से मानने लगे भाई? गूगल को ऑथेंटिसिटी इतनी किसने दे दी भाई? आपके धर्म ग्रंथों से ही तो गूगल पे किसी ने चीजें वहां पर ट्रांसफर करी होंगी। गूगल पहले आया या आपकी वाल्मीकि रामायण? मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। अरे भाई जो वाल्मीकि इंग्लिश में बॉसम लिखा था वो भी छाती होता है स्तन, वो भी बता देता हूँ। छाती होता है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, बहुत कम आती है, भले ही तुम कहीं भी रहते हो अंग्रेजी कम है, ठीक है? बॉसम क्या है अभी भाई? आपने गूगल करके देखा है कि उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? अभी आपने देखा? अरे तो तुम कर लेते, हमसे क्यों बात कर रहे थे? फिर गूगल खुद कर रहे हो यार। अरे भाई अरे भाई सेम श्लोक का सेम मतलब है। इधर नूनम पे आओ, नूनू पे आओ, ये नूनू प्रियम लिखा है इस पे आओ, वापस आओ। अभी देखो ये नूनू प्रियम पे आओ अभी। अरे भाई इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है बताओ? इसमें दिक्कत क्या है चलो ये बताओ। अभी देखो आपने जो मुझे गूगल में से दिखाया था ना, वो किसी आप जैसे ही नहीं ट्रांसलेशन किया होता। आपने उसकी वेबसाइट देखो क्या था? अबे गधे इंसान यार, मतलब हर कुछ हमने ही कर लिया। ये वाल्मीकि रामायण गूगल पे फंस गए तो खुद ही गूगल पे हमने लिख दिया। अभी गूगल को बोल रहा था गूगल पे दिखाओ, गूगल पे दिखा दिया तो बोल रहा हमने ही लिख दिया भाई। संस्कृत में भी दिखा दिया, अंग्रेजी हिंदी सब में हो गया यार। मॉरल टीचर सर, ऑरल टीचर सर आप समझे नहीं, जब तक आप लोग इधर इससे बात कर रहे थे तब तक मैंने तुरंत एक वेबसाइट बनाई और पूरा डेटा ट्रांसफर कर दिया वाल्मीकि रामायण का और उसको दिखा दिया तुरंत के तुरंत। और संस्कृत भी बदल दी तुमने क्यों? संस्कृत भी बदल दी मैंने, ये संस्कृत भी यार मतलब स्तनो लिखा हुआ है ये भी तुमने ही बदल लिया, और नूनू लिखा है ये भी तुमने ही बदल लिया। भाई वाल्मीकि रामायण है आपके पास? कौन सी रामायण है? चलो इनसे ये पूछ लेते हैं कौन सी रामायण इनके पास, चलो बताओ भाई। अरे भाई मैं तो स्वामीनारायण हूँ, मैं स्वामीनारायण धर्म का हूं। अच्छा, मैं नारायण वाले हो? अरे हमेशा अब आप बात कर लो, कृष्ण पर बात ले लो जरा, कृष्ण पर थोड़ा कृष्ण जी को लाओ यार, मजा नहीं आ रहा। हमेशा हमेशा मैं तो बोला था ना, मेरे को तो पता था ही कहां कहां घूम रहे हैं, ठीक है ना? वैसे भी राम जो कृष्ण के अवतार थे, अब आप खोल दीजिए। बस मजा मां सुबह मजा मां मजा मां। चलो एक और मजा मां दिखाता हूं आपको मैं। कौन बताओ स्वतः में? चलो भाई कर दो शेयर। हाँ भाई देखिए पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 245 से पढ़ रहा हूं मैं। श्री कृष्ण के करोड़ों कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर सारी गोप स्त्रियां कामदेव की अग्नि से पीड़ित हो गई। पहले दंडकारण्य वन में सारे ऋषि लोग राम को देखकर उससे भोग करने की इच्छा करने लगे। वे ऋषिगण ही द्वापर के अंत में गोपियां बन गए। अरे भाई आजाद, दंडकारण्य के ऋषि लोग राम के साथ में सेक्स क्यों करना चाह रहे थे यार? ये आनंद रामायण में आता है। आहा, वे ऋषिगण ही द्वापर के अंत में गोपियां बन गए। रामचंद्र जी कृष्ण वन गए और कृष्ण के साथ उन्होंने अपनी कामदेव की अग्नि को शांत कर लिया तथा संसार सागर में तर गए। रात में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोप स्त्रियां सोते से उठकर अपने पति पुत्र भाइयों की तथा कुल की लज्जा को त्याग कर कामदेव की आग से पीड़ित होकर उसे बुझाने को श्री कृष्ण के पास चली जाती है। वे जहां जाकर कृष्ण को भुजाओं में भरकर आलिंगन करती, उनके होठों को चूमती। वे गोपियां कृष्ण के साथ कालंदी के कुल में तथा वृंदावन में गोव्रज में रात को निर्भय होकर रमण विषय भोग यानी संभोग करती। आहा भैया ऐसी बांसुरी मुझे भी चाहिए। ओ भैया इनके पास है ना बांसुरी, बताएंगे भैया। बोलो बोलो ब्रजेश भैया, ये बुक में से दिखाओ ना पीडीएफ फाइल को। पद्म पुराण एपीजे तो भाई इधर क्या है भाई? ये यार क्या क्या बकवास इंसान है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 235 भाई। वैसे ब्रजेश का, वैसे इनका जो नाम है ना ब्रजेश, उसका मतलब भी कृष्ण होता है ना। अभी देखो कृष्ण भगवान थिरी कीरितना। अभी देखो सुनो,
भागवत नहीं, मैं नहीं देखूंगा भाई, मैं क्यों देखूं? मत देखो पर सुनो, भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है कि गोपियों को कृष्ण के साथ सेक्स की भावना थी, पर सुनो मेरी पूरी बात सुनो, भागवती खोल के दिखाएंगे भाई अब इसको, पहले सुनो मेरी बात सुनो, उसको वो सुना दो, उसको वो भावना थी, उसके काम भावना थी, पर कृष्ण ने उस सबको निर्गुण बना दिया, उसको वो काम भावना। अच्छा, कहाँ लिखा है निर्गुण बना दिया? ठीक भागवत में कहा लिखा है कि आपने, आपको किसी ने गपोड़ दिया ये चीज? ये मैं कह रहा हूँ, आपने पढ़ा वो चीज को क्रॉस चेक किया? मेरे क्वेश्चन का मतलब ये था मेरे भाई न्यूटन जी, लिखा कुछ है ना? ये तो मन से गपोड़ दो बस इनका ये। अच्छा ये देखो भैया, लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 में लिखा है, कुब्जा अपने घर पर रात को सो रही थी, कृष्ण वहां पहुंचे और कुंडी बजाए और धीरे से उसे जगाया। गलत लिखा, उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 में लिखा है। अच्छा ये बुक दिखा दो, मैं बुक का पिक्चर दिखाओ, चलो ये पिक्चर खुद देखो जाके, पिक्चर भाई मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं पिक्चर नहीं दिखाता किसी को, मैं पागल हूँ क्या? मतलब जो ये बोल रहे हैं उसको पोर्न पिक्चर दिखा दो। ओ भाई कैसे कर रहे हो, मैं सिर्फ कहानी सुनाता हूँ यार, क्या यार मतलब मेरे को क्या तो समझ लियो भाई, पुराण अध्याय नंबर कार्यक्रम क्या क्या यार। चले पढ़े पढ़े तिवारी साहब। श्री कृष्ण वहां चुपके से पहुंच गए और धीरे से उसे जगाया, उन्होंने उसके पास सोती हुई दासी को नहीं जगाया। श्री कृष्ण ने उससे कहा, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, नींद त्याग दो, मेरे साथ संभोग करो कुब्जा, हे सुंदरी तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन सूर्पनखा हो, हे प्रिय तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी, अब तुम मेरे साथ सुख पूर्वक संभोग करो, मेरी छाती में चिपक जाओ। उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर दिया और संभोग करने लगे, भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, अरे कभी अब की बार मेरे साथ एक रात तो गुजार। वह कृष्ण के साथ विनय विषय भोग से लज्जित हो गई, लक्ष्मी के संबंध से वे उसे चूमने व संभोग करने लगे, क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चतुर थे, अतः दोनों के विषय भोग का अंत ही नहीं आता था। हे नारद, वहां नारद, नारद को कौन बता रहा है भाई ये? चलो नारद तुम भी आ गए, निकलो साला, के देख रहे हो भाई कबाब मड्डी, नारद निकलो। वहां नाना प्रकार के संभोग की क्रिया की जा रही थी, कृष्ण ने उसके दोनों स्तनों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया। चोली के पीछे क्या है, चोली में दिल है मेरा, उसके बाद ओठों को दांतों से चूसते चूसते काट खाया। रात के अंत होने के समय दिन निकलने से पहले कृष्ण ने अपना वीर धारण कर दिया। भैया ब्रिजेश भाई, भैया ब्रिजेश भाई कहाँ गए यार, पिक्चर देख रहे हो क्या? पिक्चर चालू कर लिए हो गया भाई, पिक्चर तो शुरू कर दिए क्या? नारायण की तपस्या भंग हो गई भाई इसकी। क्या भाई ये क्या हो रहा है? हाँ भाई हो गया क्या बता दो, ये तो कुछ और ही हो गया। आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं, पहले वो मुझे बताओ। हाँ आवाज आ रही है आपकी सर, बताएं। आ रही है ना, ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा सुनो हाँ? मेरी पूरी एक मिनट तो मुझे सुनो तो सही। आपको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अरे भाई सुनो तो सही, ये क्या हुआ है? एक सुनो मेरी बात सुनो, सीधा बताओ ब्रिजेश भैया। पर सुन तो लो, बाद में बताओ। अरे सुनना नहीं है, बताओ। अच्छा बताता हूँ मैं, चलो बताता हूँ। अगर ये ब्रह्म वेद पुराण नाम की कोई भी बुक हिंदू शास्त्रों में अवेलेबल है तो उसकी आप मुझे क्या बात कर रहे हैं आप? चलो ब्रह्म वेद पुराण जो है ऑथेंटिक पुराण माना जाता है यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे बात मत बदलो, बात मत बदलो, दिखा दिया, बात मत बदलो, अमित सर यही रखो इसे, अमित सर यही रखो, बात मत बिल्कुल। ओ भाई पिक्चर मैं नहीं दिखाता, समझा? बात मत बदलो भाई, बहुत मतलब यार क्या बात कर रहे हो यार, भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति का कुछ ख्याल करो भाई। सनातन संस्कृति में सिर्फ इस तरह की कहानियां बताई जाती है, पिक्चर आप खुद देखो जाके। अच्छा मैं बुक आपको बुक दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, बुक
जो इसमें से आपने दिखाऊं, ब्रह्म वेत्ता पुराण नाम की जो बुक आप आपने जिसमें से वेत्ता नहीं भाई वही तो दिखा रहा हूँ महापुराण तो दिखा रहा हूँ भाई वही तो दिखा रहा हूँ अरे बुक का बीच का आपके हाथ में रख के दिखाऊं आपके अभी देखो जो भी ये सुन रहा है देखो ये कैसे बेवकूफ बना रहा है देखो ये देखो भाई यार आप जो भी कोई सुन रहा है वो ये सुन रहा है कि कैसे कुब्जा ने कुंडी खोले राजा तुझको मैं डिस्को दिखाती ये कर दिया है भाई पहले हा? तो पहली बात तो हिंदू शास्त्र में एक श्लोक आता है उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आता है बाद में दूसरा श्लोक आता है आपने आपको पता है ये क्यों हुआ पूरा ठंड थी उस रात में समझे कृष्ण जोर से चिल्लाए सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे जैसे जाड़ा लगना चालू हुआ ना वो लोग आड़ा हो गए भाई समझे कृष्ण जी इतना काढ़ा पी के आए थे कि उनको जाड़ा इतना लगा कि वो दोनों आड़ा हो गए भाई आपसे तो अच्छा वो साइंस जर्नी वाला कम से कम ढंग से डिबेट तो करता है आप तो डिबेट भी ढंग से नहीं भाई साइंस जर्नी तो बहुत अच्छा डिबेट करता है यार मैं तो डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ आपको ये किसने कहा कि मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ मैं तो आपकी ले रहा हूँ भाई मैं तो आपकी ले रहा हूँ आपके साथ डिबेट कौन करेगा भाई ये क्या क्या सोच के आए कि मैं इसके साथ डिबेट कर रहा हूँ अरे भाई आप साइंस जर्नी सर ने ठोक मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ भाई मेरी ठोकने मेरे वीडियो भी उतना नहीं डाले भाई साइंस जर्नी वाला अरे सुनो भाई अभी अभी मैं आपका वीडियो डालूंगा ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया ना इसमें वीडियो डालूंगा डालो वीडियो पहले मेरी बात मुझे लगता है सुनो ना सुनो तो अगर आपकी औकात है चूसते काटते क्यों थे कृष्ण भगवान मैं बता अगर आपकी औकात है मेरे से डिबेट करने की तो एक के साथ एक मेरे से डिबेट करो पांच लोग मत डिबेट करो अरे मेरे भाई सुनो आपसे से डिबेट नहीं हो सकती आपकी ली जा रही है आप समझ ही नहीं रहे हो बात को आपसे डिबेट कौन कर रहे हैं आपको ना गेंद बना के खेल रहा हूँ मैं वही तो पहले ये बताओ कृष्ण जी जो है वो कुब्जा के स्तन को नोच नोच के जख्मी क्यों किए नहीं किए थे बुक आप देखे थे कुब्जा का स्तन आपने चेक किया था उसका स्तन आपको स्टोरी अरे बुक दिखा दिया तो भाई मिनट अरे भाई इनको कैसे पता है वैसे यार इनको कैसे पता है टॉपिक मत बदलाओ इसकी बातों में मत आओ ये टॉपिक बदल रहा है ओ भाई आपको कैसे पता है क्या कुब्जा ने आपको भी अपना स्तन दिखा दिए थे अभी देखो अब यार आप भी कहीं कुब्जा तो नहीं हो अभी आपकी औकात मुझसे डिबेट करनी है तो एक मिनट मुझे टाइम दो एक मिनट आप बोलो पांच लोग बोलते रहोगे मुझे बोलने नहीं देगा तो मैं सीधा सीधा बात बताओ यार सुनो ये सब मत करो एक मिनट तू एक मिनट में ये फालतू का धंधा नहीं सीधा बताओ भाई कृष्ण जी का सुबह वीरधान हुआ उसके पहले वो स्तन को क्यों नोच रहे थे उपजा की कौन सी बुक में लिखा आपके घर की खुद की बुक ब्रह्म व्यवर्त पुराण अध्याय 72 अच्छा अच्छा तो वो दिखा दो बुक का बुक दिखाओ मुझे पहले बुक ऐसी कोई बुक तो दिखा रहे हैं यार ब्रजेश भाई यार ये क्या बुक तो दिखा रहा हूँ बुक के अंदर का ये ब्रजेश रोदाणी काम फील्ड के अंदर का घुस के है ओ भाई मैं क्या बता देता हूं किताब ये जो किताब है ना मेरे भाई ये किताब जो है एक दक्षिणपंथी किताब है आर्य समाज के द्वारा ये किताब छपती है अरे भैया छोड़ो न्यूटन सर सीधा सीधा किताब दिखा रहे हैं अपन ये काम के आदमी है ये रेफरेंस के साथ के बात से खुलवाता है ये भाई ये कृष्ण यही चीजें खुलवाता है और सुनता है और चूस्त काट लेता है भाई अरे भाई मैं खोल दूंगा ना मैं किताबें भी खोल दूंगा फिर क्या निकल जाएगा बताएं मैं किताबें भी खोलूंगा यहां पर अरे भैया एक मिनट न्यूटन सर किताब खोलने के पहले ये स्तन का तो क्यों नोचा भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं हां तो जान लो बताओ ना क्या बताओ पहली बात आपने जो ये जो मुझे दिखा रहे हैं स्तन पे रहो स्तन पे बस इधर उधर नहीं वही मैं बता रहा हूं आप जो मुझे ये दिखा रहे हो वो प्रोपोगंडा है ऐसा आपको कैसे पता क्या आपने कुब्जा के स्तनों को चेक किया अरे भाई लिखा ही नहीं है तो कहां से बता अरे भाई यहाँ लिखा है आपको कैसे पता कि उसके स्तन जख्मी नहीं हुए थे अभी अभी देखो ये साइंस जर्नी वाला है ना बड़ा चल पहले नहीं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण देख ले दिख रहा है पढ़ना आता है हिंदी गुजराती आती है सिर्फ तो गुजराती वाली देखो ये देख अच्छा ब्रह्म वैवर्त पुराण ये देख तू कह रहा था पुराण नहीं होता ये देख चल ये देख मैंने बोला वो नहीं होता ऐसा मैंने बोला नहीं होता बेवकूफ मैंने बोला ऐसा अबे तो तू कह रहा है यार ब्रह्म वैवर्त पुराण ही है तू बोल रहा नहीं कोई प्राणी नहीं है ब्रह्म वैवर्त पुराण तू क्या बोला अभी उसका उल्कानंद पेज निका पेज अबे यार तू क्या बोला था अभी तू जाके सुन लेना तू क्या बोला कि ब्रह्म वैवर्त पुराण कोई होता ही नहीं है ना तू ये बोला तुमने ये गालियां बकने लग गया ना इसको भागना है मैं बता रहा हूँ
करके कृष्ण की बातें सुनता है यहाँ के जानबूझ के अपन से खुलवाता है। इसको और सुनाओ, इसकी चोंच दबी हुई है, इसको और सुनाओ, इसको कृष्ण को अभी इसको मिर्ची लगेगी ना, ये बोल रहा था चैनल पे जाता है रुद्रेश। एक काम करता हूँ यार, मैं डायरेक्ट ना राधा जी का सुनाता हूँ, मैं वो चोट लगेगी, रुको। राधा राधा जी का सुनाया ना, अरे भाई वो गोपियों वाला लाओ, इसको गोपियों को वाला, गोपियों को क्यों छेड़ता था कृष्ण आजाद। राधा वाला जो है ना वो किस्सा मैं बता रहा हूँ, गोपियों को भी सही जगह लगी, गोपियों की हाँ, गोपी राधा के साथ श्री कृष्ण की रति क्रिया। हाँ ये आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 4:15। एक दिन कृष्ण जी के साथ नंद जी वृंदावन को गए। कृष्ण ने आकाश माया से आकाश बादलों को युक्त बना दिया। मौसम बड़ा सुहाना था, इतने में राधा कृष्ण के पास गई, बालक कृष्ण को गोद में उठा लिया, उसे लगा बच्चा है भाई उठा लो गोद में, और मुख से मधुर मधुर हंसने लगी, बोले ओलो लो बेटा। लेकिन राधा को क्या पता था कृष्ण जी बचपन से ही ठरकी निकले, काम से पीड़ित होकर उसे बगल से छाती से चिपक गए भाई, और उसके स्तनों को चूमने लगे। इतने में राधा ने सैकड़ों रत्नों से भरे घड़ों से युक्त मंडप देखा। इतने ठरकी थे कृष्ण जी कि उन्होंने माया से मंडप बना दिया। भाई बचपन में ये हाल था, ये हाल था भाई बंदे का। राधा मंडप देख के प्रसन्न हो गई, अंदर गई, वहां कपूर से युक्त पान भी था भाई वहां, और काम के योग्य जवान सुंदर हंसमुख पुरुष को पुष्प सैया पे सोते देखा। अपनी गोदी को बालक से खाली और नौजवान को देखकर कृष्ण जी तुरंत जैसे ही माया किए तो वैसे ही बालक से नौजवान बन गए और राधा की गोद में समा गए। सब कुछ जानते हुए भी चकित हो गई उस कमल मुख वाली राधा ने कृष्ण ने कहा, प्रिय चारपाई पे आ जा, मुझे छाती पर ले ले। राधा बोली, मैं बैठी हूँ, आप लेटे हैं, व्यर्थ समय जा रहा है भाई, इस टाइम को बर्बाद न करो, मेरी बगल और सिल में चरण कमल अर्पण करो। इतने में ब्रह्मा कृष्ण के सामने आए। ये ब्रह्मा क्यों आया भाई, ये पागल आगल साले। हाँ कृष्ण जी इतना नौटंकी मचा दिए पहुंच गया। ब्रह्मा ने राधा का हाथ कृष्ण के हाथों में पकड़ा दिया, यार वो तो वैसे ही पकड़ लेता कृष्ण। ब्रह्मा राधा तथा कृष्ण को प्रणाम करके अपने घर चला गया। भाई ये क्या देखने आया था बंदा बुड्ढा, राधा कृष्ण को भाग गया, ये घंटोल भाग गया भाई, एक दिन में दो बार हो जाता सर, अभी सर आज समझो उसका पहले हो ही गया था, दूसरी बार और हो जाता, भाग गया इसलिए, एक घंटोल भाग गया। ए देखो इधर आया था घंटोल, बोलता है कि ब्रह्म वैवर्त की प्रणिनी होता है, पोपो गांडा है, हे नौटंकी पर नौटंकी टुन्नी आ रहा है आजकल। वैसे अच्छा, हमारे कई भाई दुखी हो गए, कहानी आधी रह गई भाई। सर अच्छा वरुण सर कह रहे हैं बीबी हो गई तो नया पार्लियामेंट भी बना सकते हैं। ये सही है, ये सही बात की वरुण सर आपने, थैंक यू, ये बात बहुत सही बोली। नेत्रा मीडिया कह रहे हैं आज समझ में आया कि सनातनी ऋषि गूगल खानदान के थे। हाँ ये भी बात सही गई, ये गूगल खानदान पर पहुंच गया इसको, मतलब अजीब अजीब टुन्नी है, वो कहेंगे मैं गूगल को नहीं मानूंगा, मैं पीडीएफ को नहीं मानूंगा, ये कह रहा गूगल को मानूंगा, घंडोल टुन्नी। नेत्रा मेड़ा जी शुक्रिया, आज की आवाज कह रहे हैं रामचरितमानस युद्ध कांड में रावण के युग में बाधा डालने के लिए हनुमान और अंगद औरतों के बाल पकड़कर घसीटते हैं जी, आज की आवाज जी, थैंक यू। सौरभ मोटालकर जी कह रहे हैं 1000 बुक्स हो गया, बिलियन संस्कृत श्लोक ये माना जाएगा और सारे श्लोक में जातिवाद और गंध ही गंध है जी। सौरभ भाई थैंक यू। वरुण सर कह रहे हैं आजाद थोड़ा कसिस से पढ़ो भाई। अरे वरुण सर यार ये टुन्नियों का यार फिर पतन हो जाता है, इसलिए आप समझा करो, ये अमित सर तो पतन करवा ही देते, आप मुझे और कसिस से पढ़ना करवा दिया अमित सर ने उसका, ज्यादा ही कांड हो जाएंगे। वरुण सर आप समझा करो यार प्लीज थोड़ा, अब मैं भी कसिस से पढ़ूंगा फिर, मतलब समझा करो सर, ये फिर तीन तीन चार चार बार एक दिन में पतन होएगा इनका, तो कहीं यार कोई दोने कोई पत्ते कोई पत्ता चार कोई दोना चार कोई ढकना चार अगर निकल गया तो अब ये देश झेल नहीं पाएगा। बस सर समझा करो थोड़ा यार, अब किसी ढकना चार को और नहीं चाहिए,
थैंक यू वरुण सर। सौरभ मोटालकर कह रहे हैं अमित जी आजाद भाई मॉरल टीचर इसाक ब्रो जय भीम। हाँ सौरभ भाई जय भीम। हाँ जय भीम सर। अरे भाई यार ये आ गया ब्रजेश रूडानी। अरे अमित सर वो कुछ नीचे लिख रहे हैं। अच्छा कहानी पूरी अच्छा लाइक कर दीजिए मैं बोल रहा था भाई लाइक कम है यार। मैं रेफरेंस इनको दिखा देता हूँ कुब्जा समागम का। दिखा दो। चलो हाँ ये भागवत में कहानी आती है। चलो दिखाओ ये देख लीजिए आप। ब्रजेश भाई कैमरा ऑन कपड़ा बदल के आए कैमरा ऑन करके आए देखें कपड़ा बदल के आए ब्रजेश भाई कैमरा ऑन करके आए थे भाई। हाँ कैमरा ऑन करके एक मिनट। हाँ भाई ब्रजेश भाई। हाँ अरे क्या ब्रजेश भाई थोड़ा यार ब्रजेश भाई आगे लगता है अभी मैं बंद कर रहा हूँ ब्रजेश भाई थोड़ा। हाँ हाँ ब्रजेश भाई थोड़ा कर दो बंद थोड़ा बीच में आओ ब्रजेश भाई थोड़ा अभी ना आप थोड़ा कैमरा को बीच में करो। हाँ कैमरा सकल नहीं दिख रहा आपको बैठ जा पूरा कूब जा बैठ जा। अच्छा सुन रहा हूँ पूरा अभी मैंने कैमरा दिखा दिया। हाँ देख हाँ ठीक ठीक है। हाँ दिख रहा है ना ब्रजेश भाई। चलो अब बंद अभी सुनो अभी दिख रहा है बस बंद कर दो अभी। चलो कैमरे में मुझे ब्रह्मवेद पुराण की बुक दिखा दो। मैं बुक दिखा दो। चलो दिखा दो भाई हिंदू धर्म छोड़ दो। मैं रेफरेंस नहीं नहीं आप हिंदू धर्म मत छोड़ो भाई आप कूब जाओ। अच्छा मुझे बुक दिखा दो कैमरे में दिखा दो। रुके ना मेरे भाई में कुब्जा समागम सवाल ये है कुब्जा समागम आया कहाँ है। रुके अभी रुके ना होगी तो दिखाओगे ना भाई होगी तो दिखा रहा हूँ यहाँ भाई यहाँ दिखा रहा हूँ शो कर रहा हूँ आपको सुन तो ना। अरे ब्रजेश रूडानी भाई हम लोग पीसी पे वेबकैम लगा के नहीं बैठे हैं ना क्योंकि हम कैमरा नहीं लगा हुआ है तो कैसे दिखाऊं भाई। अरे आजाद इसके आर्गुमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है ना यार ये तो देखो मिस आर्गुमेंट करेगा पूरे भारत में किताब दिख रही है ये गवारो जैसी बात कर रहा है ब्रजेश रूडानी। ठीक है ये श्रीमद भागवत है। ठीक है चलो यार श्रीमद ये चले गए क्या यार ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया ब्रजेश भाई वो तो मानना नहीं है फंस जाते हैं तो। हाँ ये देखिए श्रीमद भागवतम है म्यूट करके अनम्यूट करो फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। म्यूट करके अनम्यूट करो ब्रजेश भाई कर दिए ये देखिए श्रीमद भागवत महापुराण। ठीक है आप थोड़ा यहीं रहो स्कंद नंबर 10। हाँ श्रीमद भागवत महापुराण स्कंद नंबर 10 न्यूटन जी गूगल से दिखाना है इसको ना ना ये तो मैं दिखा रहा हूँ ना चैप्टर आचार्य से देखिए ना गूगल ही है ये देखिए ना ये तो रामचरित.in है श्रीमद भागवत महापुराण स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 42 से देखिए आया पूरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कुबड़ा परंतु शरीर से कुबड़ी थी उसका नाम कुब्जा पड़ गया था तो पूरा कहानी आया है। मैं कंस प्रिय की दासी हूँ महाराज मुझे मानते हैं तो पूरी स्टोरी आई है ना अध्याय नंबर ये देखिए स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 42 तो ये तो आपके भागवत में आई है कहानी ये वाली। चले अब आजाद भाई इनसे शेयर करवा लो रुद्रेश भाई से ये अपना गूगल करें और शेयर करके बताएं ये इनसे करवाओ अब जरा शेयर। हां देर से अपन से मांग रहे हैं प्रमाण अब रुद्रेश भाई आप दिखाओ। चलो प्रमाण मैं रुद्रेश चलो खोलो अपनी ब्रिजेश नाम है मेरा अरे जो भी है नाम अपनी खोलो मतलब अपना गूगल खोलो और दिखाओ जल्दी। हाँ ये तो लिखा है ना स्कंद नंबर 10 अध्याय नंबर 42 नहीं नहीं न्यूटन जी इन्हें भी दिखाने दो ना यार अपन ने इतने सारे दिखा दिए भाई इनसे कुछ ले लो ना ये बहुत खोलो खोलो कर रहे हैं तो ये अपना खोलें गूगल और दिखाएं। चलो भाई ब्रजेश भाई खोलो। हाँ ब्रजेश भाई खोलो यार शेयर करो अपना खोलो। अरे सुनो तो सही भाई ब्रजेश भाई चलो अपनी खोलो यार बुक। अबे सुनो तो सही आप मेरी बात सुनो मैंने बोला कुबड़ा नाम का नाम की औरत नहीं थी मैंने कहा कुबड़ा थी भागवत पुराण में उसका लिखा मैं कहा ना बोल रहा हूँ मैं उसका उसके नहीं, साथ नहीं नहीं अब तो खोल के दिखाओ नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा ब्रजेश भाई अब तो थोड़ी लिखा तो है ना अब तो मान तो मान नहीं रहते अभी इसको आप अभी तो हमने गूगल खोल दिया स्क्रीन शेयर कर दो अपनी यहां पे दिख जाएगा। ब्रजेश भाई अपनी खोल के दिखाओ। हां ब्रजेश भाई अपनी खोल के दिखाओ मेरे को नहीं देखना ब्रजेश भाई भाई खोल के दिखा मैं नहीं आ रहा हूं यार क्या तुम लोग। अरे किताब की बात हो रही है ऐसा बोलो ना यार मैं भी डर जाता हूँ दो मिनट यार ब्रजेश जी आप मुझे बात बताएं आपकी समस्या क्या है मतलब आपके धर्म ग्रंथों में हाँ ये सब कहानियां लिखी हैं आप मतलब इसको खराब भी कह रहे हैं और आप इसको डिफेंड भी कर रहे हैं ये मतलब ये बात समझ नहीं आ रही है। अभी सुनो क्या इस कहानी मानते हैं अभी सुनो आपने मुझे अभी कुबड़ा के बारे में दिखाया ना अभी गूगल में से दिखाया हाँ, ना दिखाया आप, अरे कुब्जा आंटी है भैया कुब्जा आंटी कुब्जा भाई कुबड़ा नहीं कुब्जा कमीज से बात कुब्जा के बारे में लिखी कहानी। हां जी बताएं शुक्ल का दीदी है आपकी शुक्ल का दीदी है वो दिखाया ना आपने। अच्छा वो दिखाया उसमें कहीं पे भी लिखा था कृष्ण ने उसके साथ सेक्स किया उस हिसाब यार
अभी मैं दिखा दूंगा तो क्या देंगे बताएं भैया, मैंने पहले भी कहा दूंगा तो क्या देंगे बताएं। ब्रजेश भाई काम पीड़ित आदमी है, एक ही चीज बार बार पढ़वाते हैं अपन से जानबूझ के। क्यों मतलब क्यों ऐसा कर ये जान क्या मिलेगा आपको ऐसा कर यार ब्रजेश भाई, आपको मजा आ रहा है सब बातों क्यों चाहिए यार इधर से क्यों इतना रस चाहिए ब्रजेश भाई, और भी सोर्सेस हैं यार मनोरंजन के ब्रजेश भाई, आपको यही पूरा एंटरटेनमेंट चाहिए कि अपने धर्म ग्रंथ यार फ्री में मिल जाएगा कंटेंट यार, अगर थोड़ा खर्च भी पड़े तो यार गुजराती को खर्च दो यार, क्यों माना कि गुजराती थोड़े मतलब अभी देखो गूगल में से दिखा दो, गूगल कृष्णा ने गूगल में नहीं दिखा सकते भाई, गूगल में नहीं दिखा सकता भाई, आप खुद ही देखो भाई गूगल में हम नहीं दिखाते भाई, गूगल में हम नहीं, ये ब्रजेश भाई खोलेंगे ना, ब्रजेश भाई खोलो, पड़ जाएगा भाई गूगल में आपको, नहीं नहीं ब्रजेश भाई खोलेगा, चलो खोलो अपना अपनी खोलो ब्रजेश भाई, अरे उसमें लिखा खोलो खोलो ब्रजेश भाई अपनी खोलो, लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूं, अभी देखो आप आपको है ना थोड़ा ट्यूशन ले लो, वो साइंस जर्नी वाले ऐसे डिबेट कैसे की जाती है वो भी मत बनो, और स्टीमो पे आके बार बार ये सेक्स की कहानियां सुनवाते हो हमसे कह के खुलवाते हो और वहाँ पे पीछे कुछ भी करते रहते हो, ये सब बंद कर दो ब्रजेश भाई, गंदी आदतें हैं ये, गंदी आदतें हैं, बार बार जानबूझ के वही छेड़ते हो फिर वही कहानियां खुलवाते हो फिर अमित सर से पढ़वाते हो, ठीक है ये गंदी आदत है भाई, ये ब्रजेश भाई कह रहे थे आप कह रहे थे काम पीड़ित धर्म के बारे में बड़ा ज्ञान है वो हाँ वो दूसरा आया था उसको पता नहीं था यार, आप अपनी खोल के दिखाओ ब्रजेश भाई, अब मैं दिखाता हूँ चलो वो देखो दिखाओ तीसरी बार मुझे लेता ही नहीं स्ट्रीम में, और आप मुझे ले रहे हो आप सबको बेवकूफ बना रहे हो आप, अरे भैया ओ भाई अरे खोल के दिखाओ यार ब्रजेश भाई, फिर तुम कहाँ कहाँ गप्पे हाँक रहे हो, खोल के दिखाओ गूगल खोलो अपना, अभी देखो खोल के दिखाओ भाई, अभी मेरे एक मिनट नहीं नहीं अभी नहीं देख रहे, नहीं देख रहे आप, खोल के दिखाओ ये क्या चीज है ब्रजेश भाई, चलो ये दिखा दो अभी, क्या है बताओ आपको, क्या मुंह में लेना है मेरा क्या, तो खोल के दिखाओ यार, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, मैंने कहा था ये टर्की है अभी सर, मैंने कहा था क्या यार क्या बातें कर रहे हो भाई, ये टर्की है, ये गड़बड़ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, इनको इनको मजा चाहिए, वाकई मजा चाहिए, यार ये सब बात नहीं भाई, इसका नाम भी धार्मिक क्या हो रहा है बताओ, और ऐसी टर्की बातें कर रहे हो, बता देता हूँ क्या हो रहा है, बताओ बताओ तीनों के पूरी बात में क्या हो रहा है, पूरा अच्छा कृष्ण भगवान ये गोपियों के कपड़े चुराए थे, क्योंकि हिंदू धर्म मेरी बात पूरी सुन रहा, हिंदू धर्म में लड़कपड़ा धोने ले जाते थे क्या उनका, अभी मैंने लिखा है पूरी बात सुनोगे तभी तो मैं बताऊंगा, सुन लो सुन लो कृष्ण भगवान इसकी बकवास सुन लो, हां हमें सर इसकी अश्लीलता सुनो ना थोड़ा, हां 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 चलो सुनो, हां गोप कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे क्योंकि हिंदू धर्म में कपड़ों के साथ नहाना पाप है, दूसरी बात अभी सुनो, मर गए क्या बोल रहा है ये, अभी सुनो कृष्ण भगवान की एज जब कपड़े चुराए थे तब उसकी 8 साल की थी, वो बच्चे थे वो बड़े एडल्ट नहीं थे, इसीलिए लोगों को बेवकूफ बनाने से पहले खुद पढ़ लो बच्चे, और मैंने अगर साबित कर दिया, अगर मैंने साबित कर दिया कि अपना रूप बदल लेते थे और कभी भी वो बच्चे से बड़े बन जाते थे और बड़े से बच्चे बन जाते थे तो आप मानेंगे, अभी मैं एज की बात कर, बड़े से बच्चे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो तो वही हुआ ना चीजें, तो वही हुआ ना, फिर तो एडल्ट बात तो वही हुई ना, देखो अभी सुन एडल्ट बन जाते थे ना, अभी जब राधा के साथ समागम होता है, जब राधा के साथ समागम होता है तो जो राधा की गोद में कृष्ण खेलते रहते हैं, फिर समागम होने के बाद, और लिखा हुआ है ये कि वो से गोद में खेलते रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसके बाद वो राधा के अंदर काम पीड़ा आती है, हाँ 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 अच्छा इसमें तो पूरा ही कपड़ा गायब, अच्छा वो तो 8 साल का बच्चा बड़ा शरारती है यार, ये तो है भगवान कपड़ा लेके रमण भी कहते हैं, ये संभोग भी किया है इन्होंने, लिखा है भाई ऐसा, वृंदावन में गोपियों के कपड़े पहन के घूमते थे कृष्ण जी, आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए सब चिल्लाने लगे, ब्रजेश भाई आपका बालक तो नहीं है ऐसा, अरे सब ब्रजेश भाई आपका 8 साल का बालक ऐसा तो नहीं है ना, अड़ोस पड़ोस के कपड़े उठा के भाग जाता हूं, ब्रजेश भाई खुद एक गोपी है भाई, कृष्ण जी के कपड़े ले गोपी गोपी है नहीं, ब्रजेश भाई कुब्जा है, ब्रजेश भाई कुब्जा है, कुब्जा अब एक बात बताऊं, सही बात बताऊं यार, कुब्जा आंटी यार, ब्रजेश भाई की शक्ल भी बिल्कुल कुब्जा आंटी जैसी, और आवाज तो बोला ना मधुर लगती है, कुब्जा आंटी की आवाज लग रही है ब्रजेश भाई, मधुर आवाज है ब्रजेश भाई, बिल्कुल गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना,
अभी आप पांच पूरा कुब्जा आंटी है, पूरा कुब्जा आंटी हो ब्रजेश भाई, पूरा कुब्जा आंटी हो आप में से सही में ब्रजेश भाई, आप अब अगली आंख वाला एरिया तो पूरा पूरा कुब्जा का है भाई, पूरी कुब्जा जैसी। अरे भैया पूरा ही एरिया पूरा कुब्जा ही वाला है भाई, कुछ नहीं है बाकी सब कुब्जे। हाँ भाई बड़े नितंब और पयोधार वाली स्त्री है, पूरा वैसे ही है भाई कुब्जा है ब्रिजेश भाई। ओ आप खुद का लेके आए, कहीं पे भी नहीं लिखा है सब कुछ, आप अपना घर का चलाते हो। बुक दिखाओ, उसमें बुक दिखाई नहीं मुझे। दिखाओ ना दिखाओ ना दिखाओ ना ब्रिजेश भाई, दिखाओ दिखाओ, खोलो खोलो बुक दिखा दो, खोलो खोलो दिखाओ। आपने ताड़फल देखे कि नहीं कुब्जा आंटी ब्रिजेश भाई की, यानी ताड़फल इतनी गंदगी थोड़ी चले गए क्या बातें कर रहे हैं यार। जब ये बंदा, अरे नहीं यार इसका डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो जाता है, ये बीच बीच में पता नहीं क्या करने लगता है भाई। चलो नेक्स्ट कॉलर लो आजाद, मैं 10 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आप रखना मेरे को ना। बुक दिखाता हूँ पैनल पे, बुक दिखाता हूँ, गीता है यार, गीता क्यों दिखा रहे हो, वही बता रहा हूँ, वही इसको बुक बोलते हैं आप, बुक ब्रह्म वेतरण की बुक दिखा दो। अच्छा अच्छा इसी को बुक बोलते हैं क्या, अरे ये तो पता ही नहीं था भाई हमको। दिखाओ 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 कैसी होती बुक, एक मिनट दिखाओ तो, खोलो खोलो दिखाओ, खोलो जरा इससे, गीता ही खुलवा लो, इससे गीता खुलवा लो, खोलो 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 भाई, न्यूटन जी जरा गीता निकाल दो चार, खुलवाओ इससे गीता। क्यों मतलब क्यों क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, पुराण 18 होते हैं भाई, ये देखो भाई बुक कैसी होती सब देखो भाई, अरे गजब भाई देखो भाई वो कैसी यार, कमरा साफ करके रखना चाहिए वैसे, ये बहुत गीता का गीता। अच्छा गीता में जाती हुआ है क्या ब्रिजेश भाई को मालूम, ये देखो ये ब्रिजेश भाई पूरा मिनी ब्लॉग दे रहा है, अब देखो उपजा आंटी अपना मिनी ब्लॉग दे रहे हैं। हां खोल ले खोल ले भाई, ये किताब को खोल ले, वो गीता है, वो किताब अलग है। अभी सुनो मेरी, इसको बुक बोलते हैं आप, मुझे ब्रह्म वेतरण ब्रह्म पुराण की ऐसी बुक दिखाओ, क्या नाम 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 लेने आता है ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश भाई नाम बताना पूरा नाम 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 जो, ले जो भी आप जो भी मैं नहीं पढ़ रहा, जो भी है हैं, मैं भी नहीं पढ़ रहा, पता तो है नहीं कुछ हिंदू धर्म का, आ गया हिंदू सनातनी बनने, पुराण का नाम लेते आता नहीं इसको। अबे घंटों तुम्हारा एक बाप है तो बुक, अरे आजाद जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ब्रिजेश भाई मत करो ये गंदी बातें, ब्रिजेश भाई अभी बापों पे मत जाओ, हम एक्सपर्ट हैं इस खेल में, गाली गलौज में ब्रिजेश भाई, गाली गलौज में हम एक्सपर्ट हैं। चलो ये अब आगे बढ़ो यार आजाद, चलो चलो मुझे भगा लो, 10 मिनट में गाली बाजों पे तो हम एक्सपर्ट ही रखते हैं भैया, 2 मिनट में रो दोगे अभी।